मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल के सी एल ट्यूटोरियल में। मैं अनुराग जायसवाल स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबका। और हम लोग पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, जो कि डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। और उसके लेक्चर्स को हम लोगों ने रीस्टार्ट किया है फिर से नए तरीके से, और प्लेलिस्ट बना करके सारी वीडियोज़ को सिक्वेंस चैप्टर वाइज अपलोड किया जा रहा है। तो ये चैप्टर 4 का लास्ट वीडियो है। आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको इससे पहले सारे शुरू से चैप्टर्स मिलेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ रहे थे पैकेजिंग मटेरियल, और पैकेजिंग मटेरियल में फ्रेंड बेसिकली आपको कि ग्लास थे, प्लास्टिक्स थे, रबर्स थे, पेपर्स थे और मेटल्स थे। और सबसे इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट जो था वो ग्लास था। ग्लास एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो एक ग्लास को मैंने ऑलरेडी पहले के लेक्चर में बोर्ड में एक्सप्लेन किया था। अब इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे नहीं गए हैं, जैसे प्लास्टिक, रबर, पेपर, मेटल, उसमें सबसे इनमें चारों में देखा जाए तो कंपेरेटिवली इंपॉर्टेंट जो है प्लास्टिक है। तो इन्हीं के बारे में नोट्स बनाते हुए हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले बात करेंगे प्लास्टिक क्या होता है। तो प्लास्टिक पेपर डिफाइंड एज एनी ग्रुप ऑफ सब्सटेंस और नेचुरल और सिंथेटिक ऑरिजिन कंसिस्टिंग चीफली ऑफ पॉलीमर्स ऑफ हाई मॉलिकुलर वेट दैट कैन बी मॉड्यूल इनटू शेप और फॉर्म बाय द हीट एंड प्रेशर, ठीक है। प्लास्टिक एक ऐसी वस्तु होती है जो हाई मॉलिकुलर वेट वाले पॉलीमर्स होते हैं जिनको गर्म करके, ठंडा करके, अलग अलग शेप में कन्वर्ट करके बनाए जाते हैं, ठीक है। प्लास्टिक तो आप सब जानते हैं, इसके एडवांटेज क्या क्या फ़ायदे हैं प्लास्टिक देख लीजिए। पहला तो ये लेस वेट देन ग्लास होता है, ये ग्लास से हल्का होता है। जैसे मैंने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत होती है, ग्लास के साथ उसको ले जाओ बहुत भारी हो जाता है। एक पेटी अगर आप कांच की सिरप ले जाएंगे तो काफ़ी भारी होता है, जबकि उससे कंपेयर में प्लास्टिक थोड़े से हल्के होते हैं। फ्लैक्सीबल है, फ्लेक्सिबल मतलब इसको किसी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, या दूसरी बात ये कह सकते हैं कि जब ये आपस में टकराते हैं तो ये हल्का से पिचक जाते हैं लेकिन ये टूटते नहीं हैं। लेकिन कांच के साथ क्या है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होते, जब ये टकराएंगे तो कांच 100% टूट जाएगा। वैरायटी ऑफ साइज एंड शेप, अलग अलग साइज एंड शेप का अवेलेबल होते हैं, जितने ग्लास से ज़्यादा इसके पास साइज एंड शेप होती है। इसेंशियली केमिकली इनर्ट होता है, स्ट्रांग होता है, रिजिड होता है, सेफ्टी यूज़ के लिए होता है, हाई क्वालिटी वेरियस डिज़ाइन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू ब्रेकेज, ठीक है। ब्रेकेज के साथ सबसे बड़ी ग्लास के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है ब्रेकेज की, टकराएगा, गिरेगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, हर तरह से उसमें ब्रेकेज चांसेस हैं। प्लास्टिक के साथ सबसे अच्छा है, ब्रेकेज के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि अब्जॉर्प्शन परिवेबल टू मॉइस्चर, कभी कभी केस भी क्या होता है ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है, ग्लास बिल्कुल नहीं करता, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है जिससे कि हमारा जो ड्रग है वो ख़राब हो सकता है, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें तो अगला है पुअर प्रिंटिंग थर्मोस्टैटिक चेंज, ज़्यादा हीट करने पर इसका शेप बदल सकता है और इसमें प्रिंटिंग की प्रॉपर्टी जो होती है वो कम से कम होती है, ठीक है। अब बात करें कि प्लास्टिक कितने प्रकार होते हैं फ्रेंड, तो प्लास्टिक बेसिकली दो प्रकार होते हैं, थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक, ठीक है। थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक नाम से लग रहा है कि जब इसमें हम हीट देंगे तो ये फ्लेक्सिबल हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी कि इस प्लास्टिक को हम फिर से चाहें तो गला करके किसी नए शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्लास्टिक जो होता है लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, और जब ये किसी भी और शेप में कन्वर्ट नहीं होगा तो इसको हम दोबारा इसको रीयूज नहीं कर पाएंगे। इसका एग्जांपल है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, मेलानिन फॉर्मेल्डिहाइड, एपॉक्सी रेजिन, एपॉक्साइड्स इसको बोलते हैं, या पॉली यूरेथेन्स है। अच्छा, थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक क्या है, ये इसमें बेहतरीन क्वालिटी क्या है कि इसको हम बार बार रीयूज कर सकते हैं। एक बार हमने किसी शेप में बनाया, इसको हीट करके, गला के, इसको लिक्विड बना के हम कुछ सांचे में डाल के फिर से नए शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको हम बार बार रीयूज कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है पॉलीथाइलीन होते हैं, HDPE, LDPE, HDPE मतलब होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, और दूसरा होता है लो डेंसिटी पॉलीथाइलीन, ओके। अगला है आपका PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टायरीन, पॉलीप्रोपाइलीन, नायलॉन, ठीक है, जिसको पॉलीएस्टर बोलते हैं, पॉलीथाइलीन, टेरेप्थिलीन, ठीक है, पॉलीविनाइलिडीन, PVDC, यानी पॉलीकॉर्बेट, एक्रिलाइट्राइल, ब्यूटाडीन, एस्टायरीन, ABS, ठीक है, ये सब इसके एग्जांपल है। अब बात करेंगे, ये हमारा हो गया फ्रेंड प्लास्टिक जो कि एग्जाम में आता है कभी कभी, इसको पूछ लीजिए, शॉर्ट नोट के बारे में पूछेगा। अब हम बात करेंगे तीसरा हमारा मेटल है। मेटल में आप देखते हैं ना कि आपके पास मेटल के बर्तन आते हैं, अब घरों में जो स्टील के बर्तन हैं, तांबे के बर्तन हैं, उसमें मेटल में आते हैं। तो मेटल यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटेनर, ये बड़े बड़े जो कंटेनर्स बनते हैं, जो ड्राम बनते हैं, सिलेंडर्स बनते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो मेटल्स कॉमनली यूज फॉर द पर्पज ऑफ यूज, एल्युमिनियम यूज़ करते हैं, टिन यूज़ करते हैं, स्टील यूज करते हैं, स्टेनलेस स्टील यूज़ करते हैं, और लेड यूज़ करते हैं, ठीक है। एडवांटेज क्या है मेटल्स के, दे आर इम्परवियबल टू लाइट, मॉइस्चर एंड गैस, ठीक है, ये लाइट, मॉइस्चर और गैस को ये पास होने नहीं देगा। दे आर मेड इनटू रिजिड अनब्रेकेबल कंटेनर्स बाय इंपैक्ट एक्सट्रैक्शन, ये ऐसे होते हैं जो कठोर होते हैं, ये जल्दी टूटते नहीं। प्लास्टिक और ग्लास आपके टूट सकते हैं लेकिन मेटल आपके जल्दी टूटेंगे नहीं, बहुत मजबूत होते हैं। दे आर लाइट इन वेट कंपेयर टू ग्लास, ग्लास के कंपेयर में ये हल्के होते हैं, क्योंकि ग्लास कंटेनर काफ़ी भारी होते हैं, उसके कम हल्के कंपेयर में ये हल्के होते हैं।
लेबल्स कैन बी प्रिंटेड डायरेक्टली ऑन द सर्फेस। और इसके भी एक खास बात है कि हम डायरेक्ट सर्फेस पे ही लेबल को प्रिंट कर सकते हैं, जो कि हम ग्लास पे नहीं कर सकते। हमको ग्लास में एम्बॉर्सिंग करनी होती है। एम्बॉर्सिंग से क्या होता है, एम्बॉर्सिंग का मतलब होता है जो उभार होता है वो ग्लास में हो सकता है, लेकिन प्रिंटिंग डायरेक्ट नहीं हो सकती सर्फेस पे। मेटल के ऊपर हम डायरेक्ट प्रिंटिंग कर सकते हैं। कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि बहुत महंगे होते हैं, एग्जैक्टली बहुत महंगे होते हैं। और दूसरा, दे रिएक्ट विद कंटेनर, और ये क्या होता है, इसमें केमिकल रिएक्शंस भी हो सकते हैं, ये इनर्ट होते नहीं है। जिस कंटेनर पे कोई केमिकल रखा है उस कंटेनर की दीवार के साथ केमिकल रिएक्शन शुरू हो सकता है, जो कि हमारे ड्रग को ख़राब कर सकता है, इसलिए इसका यूज़ थोड़ा सा कम करते हैं। कुछ और ऐसे कोलेप्सिबल ट्यूब मेटल्स आप जानते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा टूथब्रश होता है, टूथपेस्ट होता है ना, आप दबाते हैं तो ट्यूब से निकलता है। उसी तरह से आपने बहुत से क्रीम्स देखे, जैसे आपने बेटनोबेट आपने देखा होगा, उसमें क्या होता है, आपके टिन के कंटेनर होते हैं, उसको कोलेप्सिबल ट्यूब्स होते हैं। द कोलेप्सिबल मेटल ट्यूब्स इन अट्रैक्टिव कंटेनर दैट परमिट कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ डिस्पर्स्ड ईजली, ठीक है, जो कंट्रोल अमाउंट में जो होते हैं वो दवाई उसको निकाल सकते हैं, विद गुड रिक्लोजर एंड एडिक्वेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्लोजिंग भी बहुत बेहतरीन तरीके से होती है, इसमें मॉइस्चर एंट्री नहीं कर सकता, और इसका एडिक्यूट हम लोग प्रोडक्शन भी इसको कर सकते हैं प्रोडक्ट का। इट इज़ लाइट इन वेट, अनडिग्रेडेबल लिंट इटसेल्फ, हाई स्पीड ऑटोमिक फिलिंग ऑपरेशंस होते हैं। फिलिंग के प्रोसीजर क्या होता है कि पीछे से ओपन करके फिल करते हैं, फिर इसको सील करते हैं। मोस्ट कॉमनली इसमें टिन, एल्युमिनियम और लेड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब टिन का यूज़ क्या है, टिन क्या कहाँ से मिलता है, क्या यूज़ है, आपके सामने लिखा है कि जो टिन कंटेनर होते हैं बेसिकली फूड फार्मास्यूटिकल्स के लिए यूज़ किया जाता है, और ये एक तरह का देखा जाए तो केमिकली इनर्ट होते हैं। एल्युमिनियम देखा जाए तो भी सेविंग करता है, शिपिंग कॉस्ट बचाता है, क्योंकि इसमें वेट बहुत हल्का होता है एल्युमिनियम का, तो भार कम होगा तो इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आएगी, और ये अट्रैक्टिव नेचर होते हैं। लेड की बात करें तो जो लेस्ट होता है, लोवेस्ट कॉस्ट होता है, ट्यूब मेटल्स होते हैं नॉन फूड प्रोडक्ट्स के लिए, एडहेसिव इंक्स के लिए, पेंट्स के लिए, लुब्रिकेंट्स के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं, और ये आगे बात हम इसके करते हैं, ठीक है। अब अगले हमारा कंटेनर है ब्यूरबर। तो रबर भी एक तरह का पॉलीमर है फ्रेंड, जैसे हमारा पॉलीथाइलिन था, प्लास्टिक था। तो रबर इज़ मेनली यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लोजर, मीन फॉर वॉयल्स, ठीक है, ट्रांसफ्यूजन फ्लूड बॉटल्स, ड्रॉपिंग बॉटल्स, ठीक है। ये क्या होता है, बेसिकली रबर का यूज़ क्लोजर बनाने के लिए, क्लोजर आते हैं ढक्कन, जितने भी कंटेनर होते हैं उनके क्लोजर बनाने के लिए मैक्सिमम रबर का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे आसानी से वॉश हो सकते हैं, आसानी से डॉपल बॉटल में सेट हो सकते हैं और ओपन होकर फिर से क्लोज हो सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से रबर होते हैं, जैसे ब्यूटाइल रबर हो गया, नाइट्राइल रबर हो गया। तो ब्यूटाइल रबर की क्या एडवांटेज है कि वाटर परमेबल इसकी बहुत कम होती है, वाटर एब्जॉर्प्शन वेरी कम होती है, ठीक है, ये हमारे कंटेनर को बचाएगा, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि हाई टेम्परेचर पे ये पिघल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, और सॉल्वेंट के साथ इनका कोई खास रिएक्शन नहीं होता, अच्छा रिएक्शन ये रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। उसी तरह से नाइट्राइल रबर भी होता है, उस पर ऑयल रेजिस्टेंस होते हैं, हीट रेजिस्टेंस होते हैं, लेकिन इस पर दिक्कत क्या है कि ये बैक्टीरियोसाइडल लीचिंग के साथ क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब्स केमिकल्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। उसी तरह से क्लोरोपीन रबर भी होता है और सिलिकॉन रबर भी होते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है, आपके सामने दिख रहा है, ये रबर है, ठीक है। तो अब बात करेंगे, लास्ट टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ पैकेजिंग, या इसको टेस्टिंग ऑफ पैकेजिंग कहते हैं। पैकेजिंग टेस्टिंग का मतलब ये होता है फ्रेंड कि अगर आपने जो पैकेज बनाया है उसको चेक करते हैं हम लोग इंडस्ट्री में कि क्या ये हमारा जो दवा ये लॉन्ग टर्म के लिए मतलब वैलिड है कि नहीं है, हमारे दवाओं का प्रोडक्शन करेगा कि नहीं करेगा, किस कितना सेफ है, उसी को बोलते हैं पैकिंग टेस्टिंग। इससे पहला होता है ड्रॉप टेस्ट। ड्रॉप टेस्ट में क्या होता है कि हम बेसिकली केमिकल्स या वाटर के ड्रॉपलेट्स क्या करते हैं, इसके क्लोजर के पास रखते हैं, सरफेस के पास रखते हैं, और देखते हैं कि ये एब्जॉर्ब कर रहा है कि नहीं कर रहा, अगर कर रहा है तो वो ख़राब है, नहीं कर रहा है तो पास है। वाइब्रेशन टेस्ट में क्या होता है कि उसको हम एक कंटेनर रख के तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करने के बाद देखते हैं कि इसका साथ क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, इस पर क्या ब्रेकेज आ रहा है, क्या लेबल ख़राब हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, ये चीज़ें चेक करते हैं। उसी तरह सॉक टेस्ट होता है, अचानक से इसको गिराया जाता है ऊपर से नीचे, ये हम कांच के साथ नहीं करेंगे, बाकी के साथ करते हैं कि वो टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, इसको चेक करते हैं। इनक्लाइंड इम्पैक्ट टेस्ट, ठीक है, इसमें हम साइड से हम क्या करते हैं, धक्का देते हैं। और रिवॉल्विंग ड्रम टेस्ट मतलब कि इसको ड्रम में रख के खूब तेज़ से रिवॉल्व करते हैं, घुमाते हैं, देखते हैं ये टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है। ये सब अलग अलग टेस्टिंग है जिससे हम लोग ये पहचान सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। तो हम लोगों ने फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में चैप्टर नंबर 4 को भी फिनिश कर लिया है। अब हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 के साथ आपसे मिलेंगे, और बहुत जल्दी लॉकडाउन के कारण हमको समय मिल गया तो हम फार्मास्यूटिक्स के भी सारे चैप्टर्स को प्लेलिस्ट पर आकर के बहुत बेहतरीन तरीके से ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।